ये रोजगार समाचार है दिसंबर 2019 के फर्स्ट वीक का। इसमें 25 विभागों में जो बंपर भर्तियां चल रही हैं उसके बारे में बताया गया है। इसमें 10वीं 12वीं पास के लिए भी मौका है। ये रोजगार समाचार साप्ताहिक होता है, हर रविवार को अपलोड किया जाता है। रोजगार समाचार बताने से पहले आपसे करूंगा गुजारिश कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इसी प्रकार लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। पहली वैकेंसी है कलेक्टर ऑफिस नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से। इसमें 3 पोस्ट हैं, ऑफिस असिस्टेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के। एलिजिबिलिटी है 12th पास CPCT। एज लिमिट है 18 से 40 वर्ष। लास्ट डेट है 7 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस है ₹118 सभी कैंडिडेट के लिए। सैलरी मिलेगी ₹22,770 प्रति माह तक। इसका फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली भर्ती है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से, यानी कि MPPSC से। इसमें 37 पोस्ट हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के। एलिजिबिलिटी है BSc एग्रीकल्चर या फिर डिग्री या डिप्लोमा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होना चाहिए। एज लिमिट है 21 से 40 वर्ष। लास्ट डेट है 7 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस है ₹2,540 जनरल OBC के लिए और ₹1,290 ST SC के कैंडिडेट के लिए। सैलरी मिलेगी इसमें 15,600 से लेकर के ₹39,100 प्रति माह, प्लस ग्रेड पे ₹5,400 मिलेगा। इसका भी फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली वैकेंसी भी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि MPPSC से है। इसमें 336 पोस्ट हैं स्टेट सर्विस एग्जाम और स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के। एलिजिबिलिटी है इसमें बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में। एज लिमिट है 21 से 40 वर्ष। लास्ट डेट है 9 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस है सिंगल पेपर के लिए ₹1,000, जनरल कैटेगरी वालों के लिए और ST SC OBC के लिए ₹500 सिंगल पेपर का। सैलरीज में है 9,300 से ₹39,100 प्रति माह, प्लस ग्रेड पे ₹5,400 मिलेगा। इसका भी फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली भर्ती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC से। ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की भर्ती है। इसमें कितने पोस्ट है ये बताया नहीं गया है। इसमें लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, सॉर्टिंग असिस्टेंट आदि के पद हैं। एलिजिबिलिटी है 12वीं पास। एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष। आवेदन करने की तिथि है 3 दिसंबर 2019 से फॉर्म शुरू होगा और 10 दिसंबर 2019 तक भरा जाएगा। एप्लीकेशन फीस इसमें जनरल OBC के लिए ₹100 है, ST SC के लिए फीस नहीं लगेगा। इसमें सैलरी अच्छी खासी मिलेगी। इसका भी फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा। अगली वैकेंसी है इंडियन नेवी यानी कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट से, INET से। इसमें 144 पोस्ट हैं, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच। एलिजिबिलिटी है 10वीं 12वीं BE BTech BSc MSc। एज लिमिट है इसमें जन्मतिथि होना चाहिए 1/1/2000 से 2/1/1996 के बीच में। लास्ट डेट है 19 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस है इसमें ₹215 जनरल OBC के लिए और बाकी के लिए फीस नहीं लगेगा। सैलरी इसमें नहीं बताया गया है। इसका भी फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली वैकेंसी है नॉर्थ ईस्ट रेलवे यानी यार गोरखपुर से। इसमें 1,104 पोस्ट हैं अप्रेंटिस बैरियस ट्रेड में। एलिजिबिलिटी है 10वीं पास ITI NCVT। एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष। लास्ट डेट है 25 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस जनरल OBC के लिए ₹100, बाकी के लिए फीस नहीं लगेगा। सैलरी इसमें स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा जो कि नियमों के अनुसार मिलेगा। इसका भी फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कि AFCAT से। इसमें AFCAT एंट्री फ्लाइंग ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के पद हैं। एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री होना चाहिए फिजिक्स मैथ के साथ, BE BTech या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए। एज लिमिट है 20 से 26 वर्ष। लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस इसमें फ्लाइंग के लिए ₹250 और बाकी पोस्ट के लिए फीस नहीं लगेगा। सैलरी इसमें ₹56,100 से लेकर के ₹1,10,700 प्रति माह तक मिलेगा। इसका भी फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली वैकेंसी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि SAIL से। इसमें 148 पोस्ट हैं एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव के। एलिजिबिलिटी है BDS 10th पास, डिप्लोमा BSc 12th साइंस,
ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एज लिमिट है 28 से 30 वर्ष। लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस है इसमें 500 रुपये। जनरल ओबीसी के लिए, एसटीएससी के लिए फीस नहीं लगेगा। सैलरी इसमें मिलेगी 18,830 रुपये से लेकर के 50,500 रुपये प्रति माह तक। इसका भी फार्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली भर्ती बताने से पहले आपसे करूंगा गुजारिश कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगली भर्ती है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल सीएसबीसी बिहार से। इसमें 3,585 पोस्ट हैं कांस्टेबल ड्राइवर के। एलिजिबिलिटी है 12वीं पास, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LMB या फिर HMB का। एज लिमिट है 20 से 25 वर्ष। लास्ट डेट है 30 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस है 450 रुपये जनरल ओबीसी और अदर स्टेट के लिए, 112 रुपये एसटीएससी के कैंडिडेट के लिए। इसमें सैलरी मिलेगी 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये प्रति माह तक। इसका भी फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली वैकेंसी है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड IDBI से। इसमें 61 पोस्ट हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर के। एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री, MBA, MA इन साइकोलॉजी। एज लिमिट है 20 से 45 वर्ष। लास्ट डेट है 12 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस है 700 रुपये जनरल OBC के लिए, 150 रुपये STSC के कैंडिडेट के लिए। सैलरी इसमें मिलेगी 31,705 रुपये से लेकर के 59,170 रुपये प्रति माह तक। इसका भी फार्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPPSC से। इसमें 89 पोस्ट हैं वेरियस ऑफिसर्स के। पोस्ट कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। इंजीनियर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट डायरेक्टर, रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ऑफिसर, असिस्टेंट आर्किटेक्ट प्लानर, वेटरिनरी मेडिकल ऑफिसर। इसमें एलिजिबिलिटी है बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर साइंस या फिर वेटरिनरी साइंस होना चाहिए। एज लिमिट है 21 से 40 वर्ष। लास्ट डेट है 16 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस है इसमें 105 रुपये जनरल OBC के लिए, STSC के लिए 65 रुपये और PH कैंडिडेट के लिए 25 रुपये है। सैलरी इसमें मिलेगी 15,600 से लेकर के 1,77,500 रुपये प्रति माह तक। इसका भी फार्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली वैकेंसी है छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि CGPSC से। इसमें 199 पोस्ट हैं स्टेट सर्विस ऑफिसर्स के। कौन कौन से पद हैं एक बार देख लेते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट ऑफिसर, नायब तहसीलदार, डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट जेल ऑफिसर, एक्सटेंशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, CG सबॉर्डिनेट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड एक्साइज सब इंस्पेक्टर, कमर्शियल टेक्स्ट इंस्पेक्टर, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर। एलिजिबिलिटी है इसमें बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए। एज लिमिट है 21 से 28 वर्ष। अप्लाई डेट है इसमें 6 दिसंबर 2019 से 4 जनवरी 2020 तक। अप्लीकेशन फीस है जनरल और अदर स्टेट के लिए 400 रुपये और रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट के लिए 300 रुपये अप्लीकेशन फीस लगेगा। सैलरी इसमें मिलेगी 25,300 से लेकर के 56,100 रुपये प्रति माह तक। इसका भी फार्म ऑनलाइन मोड से भरा जाएगा। अगली वैकेंसी अप्रेंटिस के लिए है साउथ रेलवे SRRRC चेन्नई से। इसमें 1722 पोस्ट हैं अप्रेंटिस वेरियस ट्रेड में। एलिजिबिलिटी है 10वीं पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ, ITI संबंधित ट्रेड में होना चाहिए। एज लिमिट है 15 से 24 वर्ष। लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस है जनरल OBC के लिए 100 रुपये, बाकी के लिए फीस नहीं लगेगा। इसमें रेलवे नियमों के अनुसार स्टाइपेंड मिलेगा। इसका भी फार्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली वैकेंसी है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी कि RRC जयपुर से अप्रेंटिस के लिए है। इसमें 2029 पोस्ट हैं इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, पेंटर, फिटर, बिल्डर आदि के पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी है 10वीं पास, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज लिमिट है 15 से 24 वर्ष। लास्ट डेट है 8 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस है जनरल OBC के लिए 100 रुपये, STSC PH कैंडिडेट का फीस नहीं लगेगा। सैलरी इसमें नहीं मिलेगी। इसका भी फार्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली वैकेंसी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि PGCIL से। इसमें 35 पोस्ट हैं इलेक्ट्रिकल सिविल डिप्लोमा अप्रेंटिस के। एलिजिबिलिटी है इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर सिविल में। एज लिमिट है अधिकतम 25 वर्ष होना चाहिए। लास्ट डेट है 6 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस है इसमें 300 रुपये जनरल OBC के लिए और STSC के लिए फीस नहीं लगेगा।
इसमें स्टाइपेंड के रूप में मिलेगा 25,000 से लेकर के 1,70,500 रुपये प्रति माह तक। इसका भी फार्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली वैकेंसी है नावल डॉकयार्ड बैरियस ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। इसमें 275 पोस्ट हैं ट्रेड अप्रेंटिस के। एलिजिबिलिटी है 10वीं पास, ITI संबंधित ट्रेड में होना चाहिए। एज लिमिट है इसमें जन्मतिथि होना चाहिए 1/4/1994 से 1/4/2006 के बीच में। लास्ट डेट है 5 दिसंबर 2019। इसमें एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा, स्टाइपेंड नियमों के अनुसार मिलेगा। इसमें इसका भी फार्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली वैकेंसी है UK SSC यानी कि उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से। इसमें 93 पोस्ट हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट के। एलिजिबिलिटी है BCom BBA PG अकाउंटेंसी में होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग स्पीड 4000 की पर आवर्स होना चाहिए। एज लिमिट है 21 से 42 वर्ष। लास्ट डेट है 15 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस है जनरल OBC EWS के कैंडिडेट के लिए 300 रुपये, ST SC PH के कैंडिडेट का फीस 150 रुपये लगेगा। सैलरीज में 5,200 से 92,300 रुपये प्रतिमाह प्लस ग्रेड पे 2,800 रुपये मिलेगा। इसका भी फार्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली वैकेंसी है राजस्थान हाई कोर्ट यानी कि RHC से। इसमें 3,678 पोस्ट हैं ग्रुप डी क्लास 4th के लिए। एलिजिबिलिटी है 10वीं पास, साथ में हिंदी और राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। एज लिमिट है 18 से 40 वर्ष। लास्ट डेट है 17 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस इसमें जनरल OBC के लिए 150 रुपये लगेगा। ST SC PH कैंडिडेट का फीस 100 रुपये लगेगा। इसमें सैलरी फिक्स है 12,400 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। इसका भी फार्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली वैकेंसी है उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लखनऊ मेट्रो से। इसमें 183 पोस्ट हैं एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव के। एलिजिबिलिटी है इसमें BE BTEC CA बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री। एज लिमिट है 21 से 28 वर्ष। लास्ट डेट है 23 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस है 590 रुपये जनरल OBC और 236 रुपये ST SC के लिए। सैलरीज में 25,500 से लेकर के 1,60,100 रुपये प्रतिमाह मिलेगा। इसका भी फार्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली वैकेंसी है AACLAS यानी कि AAI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड से। इसमें 713 पोस्ट हैं मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी स्क्रीनर मल्टीटास्कर के। एलिजिबिलिटी है एनी डिग्री यानी कि कोई भी डिग्री होना चाहिए, 10वीं पास, BCom CA। एज लिमिट है 25 से 40 वर्ष। इसमें लास्ट डेट है 9 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस है जनरल OBC के लिए 500 रुपये, ST SC के लिए फीस नहीं लगेगा। सैलरी इसमें मिलेगी 15,000 से लेकर के 30,000 रुपये प्रतिमाह तक। इसका फार्म ऑफलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली वैकेंसी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE से। इसमें 357 पोस्ट हैं। कौन कौन से पोस्ट हैं एक बार देख लेते हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी, एनालिस्ट IT, सीनियर असिस्टेंट अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी IT, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी है 12वीं पास होना चाहिए, 30 WPM टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, ग्रेजुएट PG BE BTEC होना चाहिए। एज लिमिट है 18 से 40 वर्ष। लास्ट डेट है 16 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस है ग्रुप ए के लिए जनरल OBC के लिए 1500 रुपये और ग्रुप बी और सी के लिए 800 रुपये जनरल OBC का फीस लगेगा, बाकी का फीस नहीं लगेगा। सैलरीज में अच्छी खासी मिलेगी। इसका भी फार्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली वैकेंसी है साउथ सेंट्रल रेलवे यानी कि SCR सिकंदराबाद से। इसमें 4,103 पोस्ट हैं बैरियस अप्रेंटिस के लिए। कौन कौन से पोस्ट हैं एक बार देख लेते हैं। AC मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मशीनिस्ट, MMTW, बेल्डर, कारपेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, MMW, पेंटर आदि के पोस्ट हैं। एलिजिबिलिटी है 10वीं पास, ITI। एज लिमिट है 15 से 24 वर्ष। लास्ट डेट है 8 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस जनरल OBC के लिए 100 रुपये लगेगा, बाकी के लिए फीस नहीं लगेगा। इसमें रेलवे नियम के अनुसार स्टाइपेंड मिलेगा। इसका भी फार्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली वैकेंसी है CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स से। 300 पोस्ट हैं हेड कांस्टेबल GD के। एलिजिबिलिटी है 12वीं पास होना चाहिए। एज लिमिट है 18 से 23 वर्ष। लास्ट डेट है 17 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस है जनरल OBC के लिए 100 रुपये, बाकी के लिए फीस नहीं लगेगा। सैलरी मिलेगी इसमें 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये प्रतिमाह तक। इसका फार्म ऑफलाइन मोड से भरा जा रहा है। अगली वैकेंसी है CCRAS यानी कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च आयुर्वेदिक साइंस से। इसमें 66 पोस्ट हैं अपर डिविजनल क्लर्क, लोअर डिविजनल क्लर्क के।
एलिजिबिलिटी है 12वीं पास होना चाहिए, साथ में इंग्लिश टाइपिंग 35 WPM और हिंदी टाइपिंग 30 WPM होना चाहिए। बैचलर डिग्री, एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष, लास्ट डेट है 19 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस है 100 रुपये जनरल OBC के लिए और बाकी के लिए फीस नहीं लगेगा। सैलरी मिलेगी इसमें 5,200 से लेकर के 20,200 रुपये प्रतिमाह, प्लस ग्रेड पे 2,400 रुपये मिलेगा। इसका फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। आखिरी वैकेंसी है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UPSC से, इसमें 14 पोस्ट हैं कंप्यूटर असिस्टेंट के। एलिजिबिलिटी है 12th पास होना चाहिए, साथ में ओ लेवल एग्जाम पास होना चाहिए। एज लिमिट है 18 से 40 वर्ष, लास्ट डेट है 11 दिसंबर 2019। अप्लीकेशन फीस है जनरल OBC के लिए 125 रुपये, ST SC के लिए 25 रुपये और PHK कैंडिडेट के लिए फीस नहीं लगेगा। इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। इसका भी फॉर्म ऑनलाइन मोड से भरा जा रहा है। ये रोजगार समाचार था दिसंबर 2019 के फर्स्ट वीक का। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हाँ, अगले रविवार को भी ये रोजगार समाचार देखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।